राहुल जी है, राहुल जी तो उनके अजू अजू भी नहीं है। केजरीवाल है वो दिल्ली तक सीमित है। राहुल गांधी में समझदारी नहीं है जैसे चलाना चाहिए देश को। हम तो नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। हम रोजगार तो इतना है जिसकी कोई हद नहीं, करने वाला होना चाहिए। मेन चीज ये है मोदी होगी। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम सदर बाजार में मौजूद है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां उठा पटक कर रही है, पर देखना यही होगा कि 24 के चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और जनता में क्या माहौल बना हुआ है। जनता इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री देख रही हो और क्या क्या मुद्दे लेकर इस बार जनता वोट करने वाले। तो सीधे यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? और कोई नहीं अटक सकता? इनके मुकाबले कोई भी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? राहुल गांधी में, राहुल गांधी में इतना है नहीं है, समझदारी नहीं है जैसे चलाना चाहिए देश को। अभी तो आया ही नहीं है नंबर राहुल गांधी का, तो बोलने का स्पीच कैसे बोल सकते हैं कि उन्हें समझदारी नहीं? जैसे स्पीच देते हैं, स्पीच उल्टी देते हैं, वो उसके अंदर मोदी जी उनको घेर लेते हैं। कौन सी स्पीच दे दी है? कोई सा भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं तो उसके अंदर वो सही बोल नहीं पाते अभी। हाँ। तो देश को क्या चलाएंगे वो? तो ऐसी कौन सी स्पीच बोल दी उन्होंने, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। बीच में कई उन्होंने डायलॉग बोले हैं। हाँ, कोई याद नहीं है? हाँ, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, 9 साल कैसे रहे आपके लिए भाजपा के? भाजपा के अच्छे रहे, लेकिन काम धंधे के अंदर थोड़ी सी डाउनफॉल है। अच्छा, युवाओं को मिल रहा है रोजगार या नहीं? युवाओं को भी अभी इतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो क्यों, मतलब कि 10 साल हो गए फिर भी इतना रोजगार पे ध्यान नहीं? देखो, अब ये कर रहे हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है तो रोजगार मिलेगा, जैसे हो रही है। अच्छा, हाँ। और केजरीवाल लग रहे हैं दिल्ली में या नहीं? केजरीवाल सही है, उनको आना चाहिए दिल्ली में। प्रधानमंत्री की टक्कर में है या नहीं? प्रधानमंत्री की बिल्कुल टक्कर में है। अच्छा, यहाँ पर सदर बाजार में पहले भी ऐसी था, यहाँ कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ? यहाँ विकास नहीं हुआ कुछ, वैसे के वैसे ही है। वैसे ही है। हाँ। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों कहते हैं सबका साथ सबका विकास? वो तो आप देखो। हाँ। कहते हैं हेलो। हाँ भैया, आप युवा हैं तो किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मैम, हम तो अपने नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। हम तो नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे। अंकल जी बोल रहे युवाओं को रोजगार नहीं। मैम, रोजगार तो इतना है जिसकी कोई हद नहीं, करने वाला होना चाहिए। मेन चीज ये है, रोजगार की कमी नहीं है। हाँ। मेन चीज, और इतनी जगह खाली है जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ। बस जो चाहिए हर किसी को, सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। अब ना मोदी जी दे सकते, ना केजरीवाल दे सकता, और ना ही आपके राहुल गांधी जी दे सकते। कौन देगा भैया? वादा तो यही करके आते हैं, सरकारी नौकरियां देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैम, जिसको मिलनी चाहिए वो मिल रही है ना। अब हर किसी को प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनाया जा सकता है। कहते हमारे में योग्यता भी है, डिग्री भी है, स्किल्स भी है, फिर भी हमें नौकरियां नहीं मिल रही। घर कौन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं? अरे, युवा वो निठल्ले हैं। अच्छा, वो निठल्ले युवा है। जो युवा है ना वो अपना रोजगार कर रहे हैं। क्या रोजगार कर रहे हैं? मैम, जो अपना जो वर्क है वो तो करेंगे ही करेंगे ना। जैसे नौकरी है, हमारे को नहीं थी, हम भैया से कॉन्टेक्ट करा, हमें रख लिया। सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं, पैकेज भी अच्छा दे रहा है हमारे को। हाँ, 100% है, सारी चीज की फैसिलिटीज दे रहे हैं। और क्या मिलना चाहिए इसके अलावा? तो कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। मुद्दा बचा युवाओं के लिए इस बार? मुद्दा क्या, अपना मुद्दा तो सारे ही है, राम मंदिर बन गया और बाकी सारी चीजें बनी जाएगी टाइम टाइम पे। राम मंदिर से सब कुछ मिल जाएगा क्या? मैम, सारी चीजें मिल जाएगी हमें तो। हमें हमारे मैम सारी चीजें, हॉस्पिटल आ गया। हाँ। सारी चीजें बन गई, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज अच्छी हो गई, कॉलेज अच्छा हो गया अपना, और अपना जो भी एक बंदे को चाहिए होता है वो सारी चीजें मिल ही रही है। मेन चीज और क्या चाहिए होता है? क्या लग रहा है भैया आपको, किसे देख रहे हैं प्रधान? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, कोई और विकल्प नहीं है? विकल्प उनके सामने कोई है ही नहीं। इंडिया गठबंधन में नहीं है कोई? नहीं, राहुल जी है, राहुल जी तो उनके अजू अजू भी नहीं है। केजरीवाल है वो दिल्ली तक सीमित है। टक्कर राहुल गांधी दे रहे मोदी को? कहाँ से टक्कर दे देंगे सर? मैडम, उनका कोई बेस तो होना चाहिए। कौन सा बेस है बताओ? 12 जोड़ो भारत यात्रा तो इन्होंने, मोदी जी ने भी करी। कब करी? अहमदाबाद से पूरी रैली निकाली, पूरी रैली निकाली ना। तो वही है, अगर आप चल के ही वोट लेना चाहते हो तो चल तो कोई भी लेगा। आपको विकसित करना पड़ेगा, जैसे ये काम हो रहे हैं जो 500 साल से रुका हुआ था। आप कह रहे हो राम मंदिर में क्या करा, राम मंदिर से ये हुआ, जो 500 साल का मुद्दा था वो खत्म कर दिया। जब आपके पास 70 साल तक राजनीति थी तो आपने क्यों नहीं करा?
ताला तो राजीव गांधी ने तोड़ा था। कैसे तोड़ा था बताइए, बताइए ना कैसे तोड़ा था। मोदी जी तो सिर्फ रिबन काटने चले जाते हैं, रिबन कांग्रेस करती है। ऐसे बन गया वो, इतने सालों से ऐसे बन गया। अगर इतने सालों से नहीं बना, बन गया तो नाम छाप किसी भी की हो, जो उस टाइम सीट पे हो उसी का नाम होगा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा बताइए। किस चीज में पीछे है इस टाइम? सदर का भी हो रहा है। सदर में तो पहले भी डेवलपमेंट ऐसे ही था, अब भी इनकी दुकान पे काम करते हैं। नहीं मैं बाहर हूँ। अच्छा, और ये भैया तो बोल रहे हैं कोई विकास ही नहीं हो रहा सदर में। क्यों नहीं विकास हो रहा ये अगर मान लो? अगर बताइए ना जवाब दीजिए। ये सड़कों सड़कों का क्या हाल है? बारिशों के अंदर देखो इसके अंदर क्या सब सीवर भर जाते हैं और सारी सड़कें कीचड़ मचा रहता है। क्या होता है बारिशों के टाइम में? कुछ नहीं होता। तो ये केंद्र सरकार थोड़ी ना करेगी, ये तो निगम पार्षद की ड्यूटी है या एमएलए की ड्यूटी है जो सड़कें ठीक करे या इधर का व्यवस्था ठीक करे। चल तो सरकार से आ रहे, केजरीवाल की सरकार है ना यहाँ पर, तो वो करेगी ना। आपके वो केंद्र सरकार को क्या बोल रहे? केजरीवाल कहते हैं कि हमारा बजट पास नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे जी? कर रहे हैं, आंगनवाड़ी से पूरे पैसे ले रहे हैं, दूसरी सीटों में पूरे पैसे ले रहे हैं, सारे पैसे ले तो रहे। अब उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं ले रहे, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे या दूसरा क्या करेगा? इसमें डंका बज रहा है क्या? बिल्कुल बज रहा है। मोदी जी का बज रहा है, बताओ क्या मुद्दा रहने वाला है 24 में? ये आ जाएगा, ज्ञान वापी आ जाएगी और एक दो मुद्दे और आ जाएंगे। मैम महंगाई तो देखो डे बाई डे बढ़ती ही रहेगी। उसमें ये है कि अभी MSP जो किसान मांग रहे हैं, ये किस चीज का मांग रहे हैं वो चलेगा? महंगाई तो सैलरी नहीं बढ़ी लोगों की। अगर महंगाई बढ़ी तो सैलरी नहीं बढ़ी, बढ़ी है ना? पता नहीं आपकी बढ़ी होगी। आपकी नहीं बढ़ी, हमारी तो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? जितनी चाहिए थी उतनी है, पहले जितनी चाहिए थी उतनी थी, अब जितनी चाहिए उतनी है। अच्छा, तो आपकी बढ़ गई है सर। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हाँ जी सर, किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री जो है वो सही है। कौन है प्रधानमंत्री? मोदी जी। अच्छा, कैसा काम हम कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार 24 के चुनाव में? कोई मुद्दा है या बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं? महंगाई होगी, बढ़ेगी। कम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। टूटी जूती टूटती जाती है। हाँ। वो कभी ठीक नहीं होती। तो मोदी जी को वादा करके आए थे महंगाई कम करेंगे, तभी तो लोगों ने वोट दिया था उन्हें। ऐसा है, महंगाई कभी कम नहीं होगी। मोदी जी तो वादा करके आए थे ना, तो वायदा क्या करके आए? कोई वायदा नहीं है, वादा पूरा नहीं करते मोदी। जो पेट्रोलियम बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ेगी। पेट्रोल बढ़ेगा हर चीज बढ़ेगी, हर चीज महंगाई अपने आप जाएगी। इसमें क्या है? इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वादा क्या है? तुम केजरीवाल की तरफ से आए हो? नहीं, केजरीवाल जी हम किसी की तरफ से नहीं आए, पर वादा करके तो यही आए थे ना, महंगाई कम करेंगे। बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। सुना था नारा या नहीं सुना था? सुना था, ये चलेगा, महंगाई बढ़ेगी। हाँ। महंगाई बढ़ेगी, जनता को कैसे राहत मिलेगी महंगाई से? फ्री राशन दे तो रहे। कौन देने फ्री राशन? मोदी। अच्छा, चल जाता है घर? चल जाता है, तुम्हारा चल रहा है ना? हमारा भी चल रहा है। आपका चल रहा है? नहीं चल रहा हमारा, तो पूछो मत। हमारा चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है। चलिए और लोगों से। हाँ भैया, किसे देख रहे प्रधानमंत्री? मोदी जी को क्या अच्छा लग रहा है? मोदी जी वो सपोर्ट सुपर ही थे। मोदी जी मेरे को अच्छा लग रहा है, मोदी होगी। अच्छा, काम पता है? काम बहुत सुपर हिट है। कौन से सुपर हिट काम? काम जो भी सबका बिजनेस अपना बिजनेस अच्छा है। सब सही है। फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है, जब से मोदी आ रहा है सबसे फायदा हो रहा है। तो क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मोदी मुद्दा है। हाँ, मोदी सही रहेगा ही। हाँ। इस बार मोदी ही रहेगा। अच्छा, हाँ जी अंकल जी, किसे देख रहे प्रधानमंत्री? मोदी जी। क्यों मोदी जी? सब काम अच्छे कर रहे हैं, वर्ल्ड में नाम कर रहे हैं पूरा। जहाँ जाते हैं वही तारीफ होती है उनकी। काम करते सारा, घर पे कौन सा काम? उनके तो काम करने वाले वर्कर होते हैं। अरे भारत में काम कर रहे हैं। हाँ, भारत में क्यों नहीं कर रहे? भारत बहुत अच्छा कर रहे हैं। नए 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 पुल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। 400 बिल्कुल पार है। कोई है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आप किसे देख रहे हैं भैया प्रधानमंत्री? मैम को आइडिया ही नहीं है, मैं सब ध्यान देता ही नहीं इसमें। ये भारत में रहते हैं?
नहीं नहीं मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर जनता से जानने के लिए आए थे कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। तमाम लोगों ने कहा कि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, पर देखना यही होगा। 140 करोड़ जनसंख्या का वोट बहुत जरूरी है, इस बार वो किसे चुनेंगे ये एक बड़ा सवाल है। भाजपा अपनी तरफ से कह चुकी है कि हम 400 पार करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी भी कह रही है कि इस बार हम भाजपा को हरा के दिखाएंगे, पर देखना यही होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।